इस जगह को बोला जाता है कोलपुर का चौक, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड को निकलेंगे। दो रोड हैं यहाँ पर नीचे वाली में। आगे से राइट लेंगे हम, जो एक कच्ची रोड है। अब यहाँ से कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हाँ मैडम, आप बताओ। ए वो वाले उसमें जाए ना, वहाँ नहीं जाओगे? ऑस्ट्रिच। हाँ ये तो दिक्कत आती है मेरे बीच से। छाता वाला का गुस्सा। हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार, क्योंकि दो रोड हर जगह से। इन बच्चों से हम लोग पूछ लेते हैं रास्ता। ऑस्ट्रिच वाला का है नानी, ते तू जो ऑस्ट्रिच ढूंढ नहीं पता थी रहा वो तो ताला गावत नहीं। यो यो बंदा अपनी अल ताला जान पड़ता ना, वो एते तिरे गावर थी रहा के एउटा त फेरि उतै घरतिरै गइन्छ नि त उता मेन रोड। अनि कस्तो यता साइडमा छ कि कस्तो छ? उतैतिर जानुपर्छ अनि उतैतिर तलदेखि पार्क पार्क कता पार्कबाट उतातिर जानुपर्छ। ल धन्यवाद। लाज मानिर दि। हम लोग गलत जगह पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर पेंटिंग्स जो है बहुत अच्छे अच्छे बनाई हुई हैं इन लोगों ने। अब हम फिर से जा रहे हैं वापस। यहाँ का पार्क है, ये देखिए हाथी भी चढ़ा है। थक से ऐसा प्लेन है, फिर पहाड़ है, हैं? सबसे बेस्ट लगता है। यहाँ से भी दो रोड कटी हुई है, तो हम लोग जाने वाले हैं लेफ्ट वाले में। कति पर जानुपर्छ? हम लोग फिर से गलत रास्ते पे आ गए। अभी हम लोग वापस से हाईवे की तरफ जा रहे हैं। अब जाकर हम पहुंचेंगे सही जगह पे, सही रास्ते पे। अब जाकर पहुंचे हम जिस जगह पे हम पहुंचना था। यही तो ठहरा बल। अच्छा ये तो उतारू बाटो जाने होगा। इन्हें गिट्टी सफा करने पड़ने हो ना। ये टायर टायर होना मुझे याद है। मैंने चौड़े रिपोर्ट की। सो गाइस आज हम ऑस्ट्रिच फार्म में आए हैं। अच्छा हुन्छ हुन्छ। तो गाइस ऑस्ट्रिच फार्म में हम लोग आए हैं आज, दिखाता हूँ आपको। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूँ नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो गाइस नेपाल के अभी गाबर एक जगह है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। तो आपके पीछे तीन लोग हैं और मैं चौथा।
तो गाइस यहाँ पर ऑस्टिज फार्म है ये, तो यहाँ पर अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे चीज़ों को। फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पर आया हूँ, तो ये लोग तो आ चुके हैं पहले भी, तो अभी जाएंगे और देखेंगे। आज मौसम ख़राब है, तो मैं कह सकता हूँ कि किस्मत हमारी ख़राब है, क्योंकि जब भी हम लोग ऐसा प्लान करते हैं कि यार कहीं पर जाना है, घूमना है, फिरना है, तो मौसम ख़राब हो जाता है, ये देख सकते हो आप। और कल का मौसम इतना बढ़िया था, इतना बेस्ट था कि धूप आ रही थी फर्स्ट क्लास, तो कल हम लोग घर से निकल ही नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऑस्टिज। सो गाइस ये आप देख सकते हो ऑस्टिज, जिसे हिंदी में शुतुरमुर्ग बोला जाता है। कितने बड़े बड़े हैं यार ये, ये मिट्टी क्यों खा रहे हैं यार, मिट्टी खाते हैं लोग। ओ बाप रे यार, कितने बड़े बड़े हैं यार, एक पांच है टोटल है। गर्दन कितनी लंबी है यार, भाई मोबाइल मत खा दियो। ओए हाथ भी खा देगा, हाथ तो नहीं खाएगा यार, इतना तो पता ही होगा इनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। भाई मोबाइल मत खा दियो प्लीज। क्या हुआ, लड़ रहे हैं लोग? इनके इसके इनके गले में क्या है ये पीला पीला? नंबर। अच्छा नंबर, सो गाइज अभी मैं हूँ ऑस्टिज फार्म में, देख सकते हो मेरे पीछे। तो यार ये कुछ मैंने पत्तियाँ तोड़ी हैं इन लोगों को खिलाने के लिए, ताकि ये लोग आए मेरे साथ और मैं एक थंबनेल के लिए फोटो ले सकूँ। तो आप देख सकते हो ऐसे भी थोड़ा सा यसको वेट हाम्रो लगभग वयस्कमा त 2.5 क्विन्टल हुन्छ, अहिले 80-90 किलोको हारारीमा होला सर यसको, अहिले 80-90 किलो 90 किलोको हारारीमा। ए नत्र कति हुन्छ लगभग वयस्कमा? यो लगभग हाम्रो 30 महिनाको भयो, लगभग लगभग 3-4 वर्षको उमेरमा राम्रोसँग यसको सम्हार चाहिँ राम्रोसँग भयो, 2 क्विन्टल 2.5 क्विन्टलको हारारीमा पुग्छ। 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल। दाई से पूछा कि इन लोगों का वेट क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि यार ये करीब करीब 80-90 किलो के हैं ये सब। और जो है अगर ये फुल व्यस्क हो जाते हैं तो इनका वेट वो बता रहे हैं कि 2-3 क्विंटल तक का पहुंच जाता है इनका वेट। तो आप समझ सकते हो अभी ये कितने छोटे हैं और कितने बड़े हैं अभी, बट लेकिन जब ये बड़े हो जाते होंगे, जब 2-3 क्विंटल के हो जाएंगे, तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े हो जाते होंगे ये, है ना। वो खेत से घास लेके आई है, तो पीछे पीछे आ गए सब। हाथ खा दिया इनके पांव, आप देख सकते हो बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड। ये अगर किसी को लात मार दे तो ये देख सकते हो कितनी ज्यादा हाइट है यार इन लोग, यार हमारे बराबर, हमसे भी ऊंचे हैं यार। काटे काट मत दियो भाई, देख रहा है यार। तो साइड में इन लोग का एक छोटा सा घर भी है, जिसमें कि कुट्टी, आप मशीन भी लगी हुई है, ये देख सकते हो आप वीरेंद्र को। ये छोटे 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 इन लोगों ने काटे हुए हैं घास इसमें भी, तो यही देते होंगे ना ये लोग।
पानी पीने का तरीका देखो। ओए क्या हो गया, गुस्से में लग रहा है। मट्टी खा रहे हैं क्या है इस मट्टी का राज। गुस्से में लग रहा है यार ये। जैसे हमने थोड़ा सा केले का पत्ता दिया था तो देख सकते हो खाने में थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन खा लेंगे तो भाई आराम से आराम से। ये देखो किस तरह से खा रहे हैं। ओए 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 नाराज मत हो, नाराज मत हो, नाराज मत हो, नाराज मत हो भाई, नाराज मत हो। मोबाइल नहीं है तुम्हारे खाने की चीज़, पत्तियाँ खाओ बस। यहाँ पर इन लोगों का फार्म है और ये सामने जो है होम स्टे है, तो यहाँ पर भी अभी हम लोग लंच वंच करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से हम लोग आए हैं नीचे को और ये देख सकते हो आप, ये छोटा सा तंबू और इसके साइड में आप देख सकते हो टायर हुआ, कितना अच्छा यूटिलाइज किया हुआ इन लोगों ने। और इसके अंदर हम लोग गए थे अभी, जो कि आप लोगों को दिखाया उस स्टेज। तो इस तरह से ये होम स्टे है, देख सकते हो आप सामने, आप देख सकते हो पूरा जो है पहाड़ दिख रहा है। आज मौसम ख़राब है इसलिए दिख नहीं पा रहा ढंग से साफ तरीके से, लेकिन सामने पूरा जो है पहाड़ है। सो गाइस, गावर जो है नेपालगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बीच बीच में मैंने थोड़े कम शॉट्स लिए हैं रोडों के, क्योंकि एक ही रोड को कितने बार दिखाएं आप लोगों को। तो बीच बीच में जहाँ पर हमने टर्न लिया है राइट लेफ्ट, तो वहीं पर ही मैंने शूट किया हुआ है ताकि आप लोग बोर ना हो जाए बार बार। जैसे इन लोगों ने बोला कि यार गावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑस्टेज देखने को मिलेगा और साथ ही होम स्टे भी है, तो फिर बहुत एक्साइटमेंट होने लगी, इसलिए सोचा कि यार चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ पर। अभी बज रहे हैं दिन के 2 गाइस और मौसम बहुत ख़राब है, हल्की हल्की बारिश भी होना स्टार्ट हो चुकी है अभी। तो अभी ये लोग तंबू में जाके बैठ चुके हैं, अब मैं भी वहाँ पर जाऊँगा और हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया है लंच के लिए, तो देखते हैं कब तक वो आता है और फिर उसके बाद हम लंच करके यहाँ से निकलेंगे वापस। तो तब तक के लिए बने रहेगा इसे। क्या ऑर्डर करेगा, क्या है तो ये है ऑस्टिच का मासू। भाई का बर्थडे भी था कल बेचारा, कल तो हम मिल नहीं पाए बट आज हम लोग, चलो यार एक बार हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू हैप्पी बर्थडे। कल की पार्टी आज हम लेने वाले हैं भाई से, तो देख सकते हो। और ये जो है ऑस्टिच का मीट है, तो अभी ये लोग करेंगे ट्राई क्योंकि मैं हूँ वेजिटेरियन तो मैं ट्राई कर नहीं सकता। सो गाइज, अभी हम लोग बैठ चुके हैं टेबल पे और ये हमारा बर्थडे बॉय है। यार कल इसका बर्थडे था लेकिन मिस हो गया क्योंकि काम में बिजी था, इसलिए मिल नहीं पाए। तो आज हमने इसको पकड़ा हुआ है और ये आप देख सकते हो सामने रखा हुआ है बियर यहाँ की अर्ना। तो ये बोलता है कि यार बर्थडे है तो यार पीना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलो यहाँ की नेपाल की स्पेशल बियर पी लेते हैं। आलू का अचार, नेपाली अचार खाओ। कौन सा है, नेपाली अचार है क्या? ये तो मुझे एकदम ऐसा लग रहा कि वो होने वाला खट्टा मीठा, वो खट्टा टाइप का खट्टा है। देख कर ही पता चल रहा है, मस्त है। ये मतलब यूज हो चुका है ना, इसको टेप से डाल के वो किया है। ये काफी बड़ा यार,
नहीं नहीं ये तो मीडियम वाला है। अच्छा ये मीडियम वाला है, यो भन्दा ठुलो पनि हुन्छ, यो भन्दा ठुलो पनि हुन्छ, यो भन्दा सानो पनि हुन्छ। यो भन्दा सानो के हुन्छ भने जो फर्स्ट फर्स्ट दिन्छ नि सर, एज मान्छे जति सानो हुन्छ डबल होता है जो, अनि अलि ठुलो ठुलो भएपछि उमेर भइसकेपछि चाहिँ ठुलो। इससे भी दुगना होता है ये अंडा। अभी व्लॉगिंग की एंडिंग करते हैं इस मीठे के साथ। तो गाइज अभी बज रहे शाम के 6 और इस जगह को एक्सप्लोर करके बड़ा मजा आया इस वक्त। तो अभी वापस हम लोग जाने वाले नेपालगंज। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।